जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं वो वैसी हैं या नहीं है। जी, तो ये माशाल्लाह से हमारे हमसायों का प्लेटर हो गया है रेडी रेडी। बना रही हूँ इफ्तारी। इफ्तारी आज जानी है ऑफिस। वहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई है। पकौड़े, दही बल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पा, सालन। ये है जी स्वीट डिल। ये थोड़ा सा इसके पत्ते अगर आप किसी भी चीज में डालें। काफी सारी चीजें बना रही हूँ तो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो इस वक्त जो यहाँ पर बज रहे हैं तकरीबन 12 और मैंने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। आज की वीडियो जो है वो बड़ी यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो कि सोच रहे हैं गेट टुगेदर करने का, इफ्तार पार्टी का। तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। और अच्छा जी, मैंने क्या किया है, एक अदद चेयर ले लें। अगर आपने तारियां बना ली है तो आप एक अदद चेयर ले लें। ठीक है जी, चेयर पे बैठ के ये सारी कटिंग करें खड़े होके ना। एंड मैंने इधर आलू रखे हुए हैं, चना चाट में बना रही हूँ, साथ साथ मैंने फ्रूट चाट की कटिंग कर ली है। इधर मैंने ऑयल ऊपर चढ़ाया हुआ है और मैंने ये दही बल्लों का बैटर बना लिया हुआ है। इसको मैं थोड़ी रेस्ट दे रही हूँ ताकि ये जो है सही तरह से सेटल हो जाए। पहले अगर सारी चीज़ें आप पहले बना लें तो बड़ी आसानी रह जाती है। जैसे ये फ्रूट चाट है ना, इसमें आप बनानास ना काटें, ठीक है? बनाना आप जब सर्व करने से थोड़ी देर पहले काटें, क्योंकि मैंने ये ऑफिस भेजनी है तो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही निसार आएंगे। तो जी मिनसा, क्या किया हुआ है आपने? वगैरह भी मैं डालूंगी अभी, इसमें और चीजें भी डालनी है, लेकिन जस्ट जो है मेन मेन मैं कर रही हूँ पहले। और अभी सामान आएगा तो बाकी चीजें साथ साथ। मैं ना शिमला मिर्चें भी ना ऐसे कैंची के साथ काट लेती हूँ जी। ये अब मैं बना रही हूँ पकौड़ों का सामान और इसकी कटिंग करके भी मैं रख लूंगी और इसमें बेसन भी डाल दूंगी। और अभी धनिया वगैरह जो है बाकी चीज़ें अभी मैंने डालनी है, वो निसार ला रहे हैं सामान। तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी, ठीक है? जो चाहिए थी कुछ चीज़ें वो मैंने मंगवाई है, जैसे ये बेबी स्पिनिच हो गई, करियंडर चाहिए था, योगर्ट चाहिए थी, प्याज चाहिए थे, चिकन ख़त्म हुआ हुआ था। और किचन जी मेरा अभी फ़िलहाल खूब मैसी है। बर्तन मैं जमा कर रही हूँ ताकि एक दफा ही हो जाएंगे तो फिर मैं वॉश करूंगी। है वॉश है ये। इस बेबी स्पिनिश में इसलिए डालती हूँ क्योंकि हर पकौड़े में वो एक पत्ता आता है ना, तो ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं। और ये चना चाट में मैंने ब्लैक चने डाल दिए हैं। साथ साथ जैसे जैसे चीजें मुझे मिल रही हैं और मुझे याद आता जा रहा है वैसे मैं डालती जा रही हूँ। मेन कोर्स में मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी, थोड़ा ग्रेवी वाला सालन बनाऊंगी और मे बी इसके मैं चिकन साते बनाऊं अगर मेरे में हिम्मत हुई तो। साथ में बनाऊंगी चावल। मेन कोर्स बस दो तीन चीजें मैं रखूंगी क्योंकि जब आप बाकी चीजें खाते हो तो फिर खाना इतना खाया नहीं जाता और फिर वो वेस्ट होता है। तो चलें जी साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ हम बातें करेंगे। भी चीज में डाले ना, जैसे कोई कबाब हो गया। अब जैसे मैं पकोड़े बना रही हूँ तो इसमें मैं ये थोड़े से डालूंगी धनिया के साथ। तो मिनसा, अल्लाह अल्लाह, बड़ी मजे की हवा चल रही है और जो है वो धूप निकली हुई है बड़ी मजे की। मैंने विंडो थोड़ी सी खोली हुई है ताकि ठंडी ठंडी सी हवा आए। अच्छा, ये देखें जी पकोड़े हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। इसमें मैंने स्पेनिच, कोरिएंडर, डिल और मोजरेला, नहीं सॉरी, ये चेडर चीज़ है, मोजरेला हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये जी बस अब हम मटेरियल बना के, तो
तो इसको हम रख लेंगे, ये सारी चीज़ें जो है मैं बाहर जाके रख दूंगी डाइनिंग टेबल पे, ताकि मेरे पास यहाँ पर हो जाए स्पेस, और मैं फिर जो मेन कोर्स में मैंने चीज़ें बनानी है वो मैं साथ जो है बनने के लिए रख दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। फ्रूट चाट जी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट रेडी है, अभी मैं देखूंगी कि इसमें मैंने क्या डालना है। अच्छा, आपने नोट किया होना है सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि खाना वेस्ट हो। तो ये खाना बन रहा है जी, इफ्तारी बन रही है, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन वहाँ पे होंगे 10-11 लोग होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ, फिर मैं देखूंगी कि अगर तो मुझे क्वांटिटी कम लगती है तो फिर उसमें मैं चीज़ें ऐड कर दूंगी। मैं ये देखूंगी कि मैंने कितनी चीज़ें बनानी है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बना रहे हो तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाओ, उतनी क्वांटिटी रखो कि क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लेते हो, इफ्तारी के साथ ज़्यादा नहीं खाया जाता। हाँ, अगर तो आप कम चीज़ें बना रहे हो फिर आप क्वांटिटी में बनाओ, फिर कम पड़ जाती हैं। तो मेरी जो ये वाली ट्रिक है ये हमेशा काम आती है। तो जी अब ये माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 3 चीज़ें जो हैं वो डन है। इसमें मैंने अभी आलू डालने हैं जो मैंने बॉयल करके रखे हैं, और उधर मैंने भल्ले भी फ्राई कर लिए हैं, उनको भी मैं अभी उनका दही रेडी करूंगी और उनको बना के जो है मैं फ्रिज में रख लूंगी। तो जी अब हम सारी जो चीज़ें हैं मैं डाइनिंग टेबल पे जाके रख दूंगी। ये देखें जी, ये मैंने बच्चों के लिए बाउंड्री बनाई है, कोई इधर ना आ सके, क्योंकि ये दरवाजे का कोई लॉक नहीं है, तो वो खोल के मैडम इनसे आ जाती हैं मुझे तंग करने के लिए। तो जी देखें जरा इन्होंने क्या हाल किया हुआ है मिनसा मैडम ने, लेकिन अभी मैं रोक नहीं रही हूँ ताकि ये खेलती रहे सुकून से, क्योंकि आज शुक्र है फजर जो है वो घर पे है, तो फजर इसको लुक आफ्टर कर रही है थोड़ा बहुत, और मैं फजर को लुक आफ्टर कर रही हूँ। नहीं, फजर बहुत अच्छा मिनसा को लुक आफ्टर कर रही है, फजर बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह से। तो वेदर चेक करें, बाहर हो रही है बारिश और साथ चल रही है बड़ी ठंडी हवा। तो मैंने बनाई है अब थोड़ी स्पेस ताकि मैं खाना बना सकूं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चिकन, मैं बनाऊंगी चिकन कोरमा टाइप बनाऊंगी मैं सालन, और अल्लाह आपका भला करे साथ मैं बनाऊंगी चावल बनाऊंगी, और अगर तो मेरे में हिम्मत हुई तो मैं बनाऊंगी चिकन साथ। इंशाल्लाह से फिर धूप निकल आई है, धो रही हूँ यहाँ पे चिकन, और माशाल्लाह
बारी आ गई है पकौड़े फ्राई करने की। नो निसार आने वाले हैं बस इफ्तारी लेने के लिए। यहाँ पर टाइम हो गया 5 बजने वाले हैं, तो तकरीबन 6:15 है इफ्तारी। तो जी सालन भी माशाल्लाह बन गया है, ये देखें जी कोरमा हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया, बहुत ही यम्मी लग रहा है। फ्रूट चाट में अभी मैंने डालने हैं जी बनाना। प्लेटर रेडी कर रही हूँ नेबर्स के लिए, तो अभी इसमें मैंने और भी चीज़ें रखनी है जी। तो ये माशाल्लाह से हमारे हमसायों का प्लेटर हो गया है रेडी स्टडी। रुपये तो देख रहे हैं ना, नहीं जाएगी चार डाल रहे। क्या यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई है, पकौड़े दही बल्ले फ्रूट चाट गोल गप्पा सालन ये अब पीछे रखेंगे सारा कुछ है, तो वो खत्म जो हो गया अब क्या हो सकता है। मिंसा वापस आओ इधर। नहीं बेटा वो पार्टी जो है, चलो हम बाबा की हेल्प कराते हैं ठीक है। बाबा की हेल्प कराएंगे हम, बाबा की हेल्प कराएंगे। क्या ओके जी तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी मैंने भेज दी हुई है और हो भी गई है। मजे की बात ये है कि अपने लिए मैं कुछ और मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैं बाकी चीजें भी अपने लिए रख लूं, तो मेरे नसीबों में नहीं थी। और ये चीज जी तो मैंने बनाया अपने लिए कहवा, क्योंकि मैं बड़ी थक गई हूँ। और जना और ये जी शीन से मैंने कुछ मंगवाया है जी, तो लेट्स सी के जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं वो वैसी हैं या नहीं है, तो देखते हैं। डन डन जी दूसरी शर्ट है ये वाली,